Welcome back to my channel. In today's video, we are discussing about how to use beauty blender with do's and don'ts. मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है फॉर एप्लीकेशन ऑफ मेकअप, पर उसमें से ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है, जिसको हम ब्यूटी ब्लेंडर स्पॉन्ज भी बोलते हैं, वो बहुत सही मेकअप एप्लीकेटर है। बहुत सारे लोग मार्केट से ब्यूटी ब्लेंडर खरीदते हैं, पर उनको वो नहीं पता है कि उनको एप्लीकेशन या यूज इसको कैसे करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको उसको कैसे यूज करना है और उसका सही तरीका क्या है विथ डूज एंड डोंट्स, बिकॉज इसके कुछ फायदे भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो वो बहुत जानना आपके लिए जरूरी है। लगती बहुत छोटी सी चीज है, पर ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके मेकअप एप्लीकेशन में। तो आपको मैं बताऊंगी कि आपको उसको कैसे यूज करना है। पहले हम ये वीडियो डिटेल में स्टार्ट करें, उससे पहले आप यहाँ पे नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। जो ये ब्यूटी ब्लेंडर यूज किया है उसको आपको परचेस करना है, तो मैं उसका हैंडल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो भी कोई ऐसा एप्लीकेटर या ब्यूटी ब्लेंडर आप मार्केट से परचेस करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो सही क्वालिटी, मतलब गुड क्वालिटी का ब्लेंडर हो। बहुत सारे ब्यूटी ब्लेंडर अवेलेबल है मार्केट में, तरह तरह के ब्रांड्स ये ब्यूटी ब्लेंडर बनाती है, पर कुछ सही होते हैं कुछ नहीं होते, क्योंकि आपको ये डायरेक्ट अपने फेस पे एप्लीकेशन के लिए यूज करना रहेगा। तो आपको जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीदते हो, एंश्योर करना है कि वो सही और गुड क्वालिटी का हो। जब भी आपको ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है, तो उसके लिए पहले आपको एक बोल लेना रहेगा और उसके अंदर कुछ पानी, नॉर्मल वाटर ही लेना रहेगा आपको, और आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसको आपको पानी में डिप करना है। डिप करने के बाद आपको उसको स्क्वीज करना रहेगा। आप ऐसे 2-3 मिनट के लिए आपको उसको डिप करना है, देन स्क्वीज, डिप एंड स्क्वीज। तो आप देख सकते हो कि जो ब्लेंडर का हमारा साइज है वो इंक्रीज हो गया है। ऐसे आपको उसको करना रहेगा। 2-3 मिनट के बाद आपको उसको पूरा कंप्लीटली स्क्वीज आउट कर लेना है। देख सकते हो कि उसका साइज कितना बड़ा हो गया है, डबल इन साइज होना चाहिए। जब भी आप कोई ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हो, तो आप सही क्वालिटी और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो ये मेन फैक्टर है कि जब भी कोई ब्यूटी ब्लेंडर को आप पानी में डालते हो और उसके बाद उसकी साइज डबल होती है, मीन्स आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो सही है। देन आपको एक्सेस वाटर रिमूव करने के बाद फिर से उसको एक टिश्यू पेपर या फिर क्लीन टॉल लेना है और उसके अंदर आपको सोख लेना है, जिसकी वजह से जो एक्सेस वाटर रहेगा वो उसका निकल जाएगा। चक्की और अभी की साइज में आप डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो, और एकदम सोख होने के बाद एकदम सॉफ्ट हो जाता है। अभी प्रोडक्ट कैसे अप्लाई करना है इससे वो मैं आपको बताऊँ, उससे पहले आपको डूज एंड डोंट्स जानना बहुत जरूरी है। तो डोंट्स की बात करें तो कभी भी आपको ब्यूटी ब्लेंडर ड्राई यूज नहीं करना है। फर्स्ट, जब आप ड्राई ब्लेंडर यूज करते हो और जब आप फाउंडेशन ब्लेंडर पे लेते हो, तो जो भी प्रोडक्ट है वो ब्यूटी ब्लेंडर सोख लेता है, जिसकी वजह से वो सही एप्लीकेशन नहीं होता है फेस पे। और दूसरी चीज कि आप जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कि आपका फाउंडेशन है या कंसीलर है, वो एक्स्ट्रा वेस्ट होगा। तो आपको कभी भी जब भी यूज करते हो ब्यूटी ब्लेंडर, तो आपको ड्राई यूज नहीं करना है, और दूसरा सही क्वालिटी का ब्लेंडर यूज करना रहेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हो तो आपको वेट करके ही यूज करना रहेगा, और वेट करने की वजह से आप जो भी फाउंडेशन या कंसीलर अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे लेते हो वो एक्स्ट्रा सोक नहीं करेगा, और उसका जो एप्लीकेशन रहेगा आपके फेस पे बहुत इवन रहेगा। जब भी आप कोई ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हो फॉर मेकअप एप्लीकेशन के लिए, तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि वंस इन अ वीक आप वो उसको धोना भी है। तो आपको नहीं पता है इसको कैसे वॉश करते हैं, जैसे आप मार्केट से लाए हो उसके वैसा ही आपको वापस चाहिए, तो कैसे उसको वॉश करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको
वो वीडियो देखना है कि नहीं, तो मैं आपके लिए वो नेक्स्ट वीडियो वो शेयर करूँगी। और कैसे वॉश करते हैं उसके लिए भी अलग अलग ट्रिक्स है वॉश करने के लिए, तो मैं आपको वो वीडियो में गाइड करूँगी कैसे उसको वॉश करना है। अभी हम बात करते हैं कि कोई भी फाउंडेशन या कंसीलर आपको ब्यूटी ब्लेंडर से लगाना है तो आपको कैसे यूज़ करना है। हमने उसको वेट कर लिया है, स्पॉन्ज हमारा रेडी है, अभी आपको एप्लीकेशन कैसे करना है। मैंने ये मेरा फाउंडेशन लिया है, फाउंडेशन आपको एट द बैक ऑफ हैंड आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है, लाइक दिस। और आपको उसको लेके अपने ब्लेंडर पे लेना है, देन यू हैव टू अप्लाई इन डैब डैब मोशन। आपको ऐसे प्रेस करते हुए जाना है, आपको ऐसा रब या ऐसे खींचना नहीं है, आपको इन उसको डैब डैब मोशन में उसको अप्लाई करना रहेगा लाइक दिस। तो आप देख सकते हो कि एकदम इवन उसका जो लुक है वो आपको मिल रहा है। इसके अंदर दो पोर्शंस रहते हैं, वन इज द टिप एंड वन इज द बॉटम। तो टिप पोर्शन हमारा जो है यूज होता है फॉर अंडर आई मेकअप के लिए, और जो कॉर्नर वाली जगह है वहाँ पे हम, जैसे कि ये हमारा अंडर आई एरिया है तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, फिर हमारे नोज़ के वहाँ पे जो कॉर्नर्स एरिया रहते हैं तो वहाँ पे हम एप्लीकेशन के लिए जो हमारा अपर पोर्शन है वो हम यूज़ करेंगे, और जो हमारा डाउन पोर्शन या साइड पोर्शन जिसको हम बोलते हैं जैसे कि, तो वो हम सारी चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करने के लिए वो सारी चीज़ें। तो आप सबको ये वीडियो शायद ज़रूर पसंद आया होगा, और आपको और ऐसे सारे टूल्स के बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसके रिलेटेड भी आपको वीडियो बताऊंगी और कैसे यूज़ करना है वो आपको बताऊंगी। होप यू लाइक इट, बाय, एंजॉय।